नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો વાઇબ્રન્ટ લાઈવ ન્યૂઝ, સાથે હું છું વિધિ। ગુજરાતમાં આવનારી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને દરેક પાર્ટી સક્રિય થઈ ગઈ છે। ગુજરાત પર સત્તા મેળવવા દરેક પાર્ટી એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે। આ દરમિયાન પાર્ટીના પ્રચાર કરતા લોકોને સંબોધતા નેતાઓ એકબીજા પર આકરા પ્રહાર કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। થોડા સમય પહેલા સીઆર પાટીલે તેમના એક સંબોધનમાં કેજરીવાલ પર આકરા પ્રહાર કરતા તેમને મહાઠક કીધા હતા, તો ગઈકાલે મહેસાણામાં યોજાયેલી તિરંગા યાત્રામાં કેજરીવાલે पाटिल ने वर्तो जवाब आपता भारतीय जनता पार्टी, गुजरात सरकार और सीआर पाटिल पर आकरा प्रहारों करया हता। हजारों लोगों से बात की, रस्ते में हजारों लोगों से बात की। दोस्तों, गुजरात बदलाव मांग रहा है, गुजरात बदलाव मांग रहा है। गुजरात तंग आ गया है बीजेपी से, गुजरात तंग आ गया है बीजेपी की बहन कांग्रेस से। गुजरात बदलाव मांग रहा है। जहां भी गए हम लोग, सब लोगों को गुजरात में पता है कि कैसे दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे काम हुए। दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? सारे गुजरात के लोग कह रहे हैं हमें भी मुफ्त बिजली चाहिए केजरीवाल जी। दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, नो पावर कट। गुजरात में 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में स्कूल शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल शानदार। गुजरात के सरकारी स्कूल शानदार चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक अच्छे कर दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। पूरा गुजरात भी कह रहा है कि गुजरात में भी ये होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना? गुजरात बदलाव मांग रहा है। लेकिन हम जहां भी गए, एक चीज सबने कहा, बोले जी बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत करते हैं। करते कि नहीं करते? बोले धमकाते हैं, डराते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। पूरे गुजरात में लोग डरे हुए हैं, गांव में लोग डरे हुए हैं, शहर में लोग डरे हुए हैं। लोगों ने बताया कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, मारने आते हैं, काटने आते हैं, हमें धमकाते हैं। दोस्तों, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब गुजरात बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। મહત્વનું છે કે ગઈકાલે અરવિંદ કેજરીવાલ મહેસાણામાં આમ આદમી પાર્ટીની તિરંગા યાત્રાના સમાપન સમારોહમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે જાહેર સભાને સંબોધી હતી અને ગુજરાત સરકાર પર દિલ ખોલીને પ્રહારો કર્યા હતા। તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ। વધુ અપડેટ્સ માટે જોતા રહો વાઇબ્રન્ટ લાઈવ ન્યૂઝ। નિર્ભય સત્ય, જનતાનો અવાજ।